हजारों पुलिस वालों की मौजूदगी में कुछ चंद लोग, चंद कठपुतलीय लोग देश के संविधान की प्रतियां खुलेआम जलाते हैं और नारे लगाते हैं कि संविधान जलाओ देश बचाओ, अंबेडकर का संविधान बचाओ, जलाओ देश बचाओ, अंबेडकर मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद। और उसके बाद भी सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल यहाँ पर जंतर मंतर पर मनवादियों द्वारा हमारा भारत का संविधान जलाया गया, उसके विरोध में हमने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है उनको दिखाना होगा कि संविधान की ताकत कितनी है। और अंबेडकरवादी भी कोई पूछिए नहीं रह गए, इनकी नजरों में हमें सोचते हैं, लेकिन इनको हम अपनी ताकत का अंदाजा दिखा कर रहेंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को, मनुस्मृति लागू करेंगे। और आज हमने जो एफआईआर दर्ज करी है, एप्लीकेशन दी है एसएचओ साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम दो दिन के अंदर ये काम पूरा करके दिखाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम भी कम नहीं है, हम भी बिल्कुल एक्शन जरूर उठाएंगे। देश के अंदर जो हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अपने आप ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। स्वर्ण समाज जो ये यहाँ पर नारे लगा रहा था कि संविधान मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद, अंबेडकरवादी मुर्दाबाद, चमार मुर्दाबाद, जो इस तरह की बातें कही जा रही थी, और वो भी दिल्ली पुलिस के सामने, शर्मनाक है। ये बहुत बड़ा शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और हम सब ने अपनी बात को पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है कि हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनको जेल भेजने का काम करें। और अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को चलाने वाला आएगा। इसके लिए अगर देशव्यापी आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो सभी संगठन मिलकर के इसमें देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इन सभी लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे।